मैं रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक नंद कुमार साहू बोल रहा हूँ। और जहाँ तक रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में पूर्व में जो 2008 से लेकर के 2013 में हमने जो विकास के काम कराए, वो विकास के काम उतने ही हैं। और ये विधानसभा रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र जो है रायपुर शहर के चारों ओर फैला हुआ है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। और इसमें एक नगर पंचायत, 14 ग्राम पंचायतें, एक नगर निगम बिरगांव और एक रायपुर नगर निगम के 10 वार्ड आते हैं। सर, पिछला जो चुनाव हमने देखा एकदम कांटे का मुकाबला था, करीब 1800 कुछ वोट से आप हार गए थे पिछला चुनाव, तो इसके बाद आपने क्या तैयारी करी वहाँ ग्रामीण क्षेत्र में और क्या आप किस तरह से जनता से जुड़े रहे इन 5 सालों में? पिछले विधानसभा का जो चुनाव से मुझे एक अनुभव है कि उस समय विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत काफ़ी फर्जी मतदान हुए और मतदान केंद्रों में जिस ढंग की अव्यवस्था थी वो उससे मेरे को हार का सामना करना पड़ा। क्योंकि मैं अपने स्वयं के ही गांव का मैं बात कहता हूं तो हमारा मेरा गांव बोरिया कला है। बोरिया कला में हाउसिंग बोर्ड की सोसाइटी के एक हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है, उसमें BSP क्वार्टर्स बने हुए हैं जो तेली बांधा तालाब को उजाड़ करके विस्थापित करके वहाँ पर अस्थायी रूप में बसाए गए थे। उनको स्थायी वहाँ पर किसी प्रकार की पट्टा नहीं दिया गया था, न ही उनका स्थायी मतदान में मतदान करने का उसको कोई अधिकार नहीं था। फिर भी मैंने उस पर आपत्ति किया था, उस नाम को इन लोगों ने फर्जी तरीके से अंतिम दिन जिस दिन मतदान 18 तारीख को होने का था, 17 तारीख को मतदान 17 तारीख को नाम जुड़वा करके 18 तारीख को मतदान करवाया। उसमें लगभग 3000 फर्जी मतदान फर्जी कहना चाहिए, यानी फर्जी तो नहीं, विधानसभा रायपुर ग्रामीण का नहीं थे, उत्तर विधानसभा के थे जिसका मतदान वहाँ कराया गया। ये पूर्ण अवैधानिक रूप में हुआ, जिसका शिकायत मैंने SP को भी पूर्व में किया था, कलेक्टर को किया था, पर किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। साथ साथ इस बात को लेकर के चुनाव होने संपन्न होने के बाद में मैंने हाई कोर्ट भी गया पर उस पर सुनवाई नहीं हुई। इस प्रकार से मेरा हार हुआ था। सर, इस बार तैयारियां कैसी है? अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो आपको क्या लगता है कि इस बार आपने क्या तैयारियां खास की हैं? हम लोग वैसे संगठन के लोग हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं हम संगठन पर काम करते हैं। और संगठन जिसको टिकट देगी, जिसके लिए निर्णय करेगी, हम उसके साथ में चलेंगे। अगर पार्टी अगर मेरे को अगर योग्य समझती है, मुझे अगर टिकट देगी तो मैं काम करूँगा। क्योंकि हम हर रोज़ प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक गांव में जा कर के किसी के दुख सुख या अन्य कुछ मुसीबत वाली जो बात है या किसी की समस्या है, किसी के मोहल्ले में पानी जमा हुआ है, किसी के मोहल्ले में रोड का निर्माण नहीं हुआ, नाली सफाई नहीं हुआ, इसको भी हम लोग जा के देख रहे हैं और काम को कराने का प्रयास कर रहे हैं। अगर नगर निगम से होता है तो नगर निगम से करवाते हैं, और जो राज्य शासन को लिखने का है तो राज्य शासन को भी लिख के काम की स्वीकृति कराते हैं। इस प्रकार से बहुत से काम हमने मुख्यमंत्री जी से, लोक निर्माण मंत्री जी से, सिंचाई मंत्री जी से बोल के बहुत से काम हमने स्वीकृति करवाया और काम को भी पूरा किया। इन 5 सालों में हमने काफ़ी अपने ग्रामीण क्षेत्र में काम कराने का प्रयास किया, लोगों का जो समस्या है उसका निदान करने का प्रयास किया। सर, इस बार कांग्रेस के लीडर वहाँ पर सत्यनारायण शर्मा वहाँ से विधायक है, तो उनकी क्या विफलता है सर जिनको लेकर आप चुनावी मैदान में कूदेंगे इस बार, अगर या आपकी पार्टी कूदेगी? सत्यनारायण शर्मा भले अपने आप को कद्दावर नेता मानते हैं पर गांव में वो जाते नहीं हैं, गांव निष्क्रिय है। वो विधायक बनने के पहले कई बड़े बड़े वादे किए थे मगर किसी भी गांव में कोई काम नहीं कराए एक पैसे के। साथ साथ वो गांव में स्वयं तो नहीं जाते हैं, उनके घर के उनके बेटे लोग राजनीति करते हैं, उनके घर में विधायक तो एक है पर 3-3 विधायक काम कर रहे हैं। इस प्रकार से लोगों में नाराजगी है, लोग चाहते हैं कि विधायक हमारे ही नहीं आते। और सर, इस बार अगर आपको पार्टी टिकट देती है तो आप ग्रामीण की जनता से क्या अपील करेंगे?
हम विकास को लेकर के जाएंगे, ग्रामीण जनता के बीच में हम विकास को लेकर के जाएंगे, हमारे चाहे केंद्र सरकार की योजना कहो या राज्य सरकार की योजना कहो। इस प्रकार से विगत इस हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में डॉक्टर रमन सिंह जी विगत 14 साल से जो मुख्यमंत्री बने उस में 14 वर्षों में काफ़ी विकास के काम किए हैं। केंद्र में हमारे मोदी जी का सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, उन्होंने गांव गरीब किसान के लिए काफ़ी काम किया है और जो योजनाएं जो लाई है वो योजनाओं का लाभ हम एक एक गरीब तक, एक एक महिला तक, एक एक पुरुष तक, एक जवान तक, एक बच्चे तक मिले, इसके लिए हम गांव-गांव में जाकर के अभी से प्रयास कर रहे हैं और उसी मुद्दे को ही लेकर के हम विकास के मुद्दे को लेकर के सरकार की योजनाओं को लेकर के हम सरकार मतदाताओं के पास जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ रायपुर ग्रामीण के जो जिनकी दावेदारी यहाँ से प्रबल मानी जा रही है नांदे साहू जी, उनका एक ही एजेंडा है विकास और वो विकास को लेकर ही इस बार वो या उनकी पार्टी अगर उनको टिकट देती है तो वो जाहिर तौर पर विकास को लेकर ही इस बार चुनावी मैदान में कूदने वाले हैं। आपसे आग्रह है कि हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और ताज़ा वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें।